आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर 26 जनवरी को इकट्ठे हुए थे और उसके अंदर कुछ चीजें हमने आपस में इस्लाह के लिए पेश की। कुछ अच्छे के लिए जरूर ये मीटिंगें बंद हुई, लेकिन मदद की कि हम लोग एक दूसरे से तालमेल ना बिठाकर अलग अलग होते रहे और हमारा ये बैठना सिर्फ एक भाईचारे के लिए है और इसके अंदर हमारी इस्लाह के लिए है। आप हजरात के जो बुजुर्ग हैं, हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं, हमारी औलाद आपसे सीखे कि जो हम काम करते हैं उस काम को देखते हुए ही हमारे बच्चे करेंगे आगे। तो लिहाजा उस काम के अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उस पर हमें नज़रसानी करनी है। तो पूरा इस मुहिम में आज हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं कि आगे बढ़ाते हैं और अपनी इस्लाह के लिए काम करते हैं। पिछली जो मीटिंग थी उसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कमी हमारी रही कि सब पर वो बात नहीं पहुँच पाई। उसके अंदर हमने तीन चार चीज़ें रखी थी। एक तो ये निकाह था, निकाह के अंदर जो गवाह और वकील होते हैं वो महरम होने चाहिए। महरम में बाप, बेटा, मामू, ताऊ, चाचा, दादा। अक्सर होता यह है कि बेटी वाले को पता नहीं होता कि कौन वकील बना, कौन गवाह बना, और काजी साहब किसी का भी नाम लिख देते हैं, क्योंकि जो वहाँ स्टेज पर बैठे होते हैं वो किसी का भी नाम लिख देते हैं। तो लिहाजा छोटी छोटी बातों पर हम गौर करेंगे तो जो हमारी आखिरत के लिए काम आएगी। दूसरा हमारा यह था कि तीन ही दुनियावी तालीम एक ही होती है, कि तालीम को जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसको इस कदर बढ़ाया जाए। बहुत सारे हजरात का काम बहुत अच्छा है कि वो काम उनकी औलाद को ही करना है। एक कोर्स है वकालत का, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो आप जो है अगर कारोबार भी कर रहे हैं, अपने इलाके में भी रह रहे हैं, उससे सभी को फ़ायदा होता है। कारोबार को फ़ायदा होता है, मोहल्ले वालों को होता है, खानदान वालों को होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कोर्स ना कराया जाए, आम कोचिंग कराया जाए, लेकिन अगर खाली ग्रेजुएशन ही करानी है तो उस पर अमल किया जाए। तीसरा था हमारे खाने की जो बर्बादी थी, मेरे बड़े भाई हाजी मुशीर साहब से आने वाले, उनका एक पैगाम भी था और बहुत अच्छा मशवरा था, तो उन्होंने उसमें ये कहा था, वो आगे चल के बात करेंगे कि खाने की बर्बादी को कैसा रोका जाए। तो चलिए आए अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी कोताहियों को दूर करने के लिए और हमारी उन कमियों को दूर करने के लिए आपके मशवरे दरकार हैं। ये वीडियो आप ही के लिए, आप ही के जरिए बुलाई गई है और मैं चाहता हूँ कि अब आगे आप लोग चलाएं, अच्छे मशवरे से नवाजें, जिससे कि हमारी आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो। वक्त को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना कि हमारा ये थोड़ी देर का फायदा हो जाएगा, चाहे वो ब्याह शादी का मसला हो, चाहे सगाई का मसला हो, हमें आगे की सोचनी है, आगे आने वाले वक्त की सोचनी है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त ना जाने कैसा हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मीटिंग आपकी और ये मीटिंग अब आपके हवाले, आप अच्छे मशवरों से हमें नवाजें जिससे कि हम अमल कर सकें। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा मुशीर भाई से कि जो उन्होंने जो पैगाम दिया था, वो चाहते हैं मेरे हाथ से शुरू हो। आइए मुशीर साहब।